आज हम आपको खिलवाने वाले हैं मालपुआ और सब्जी। भैया क्या आइटम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे आइटम मिलते हैं शाम के टाइम, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम खड़े हैं कोले के मंदिर पर। तो ये भैया सुबह के टाइम बनाते हैं मालपुए, और वो देते हैं आलू की सब्जी के साथ में। तो भैया से बातें करते हैं और जानते हैं। नमस्कार जी। भैया नाम क्या है आपका? करण सिंह भदौरिया। करण सिंह भदौरिया जी, तो कब से बना रहे हैं ये मालपुए आप? अभी स्टार्ट किया है, 4-5 महीने हो गए। अच्छा, 4-5 महीने हो गए आपको मालपुए। तो किस चीज़ के मालपुए बनाते हैं भैया जी आप? ये आटा गोल्ड रहता है। आटा गोल्ड का ये गोल्ड रहता है। किस चीज़ के बनाते हैं भैया जी आप? ये आटा गोल्ड मिक्स करके गोल रहता है। अच्छा, गोल रहता है, और फिर इसको बनाया जाता है। इसमें इसको सेका जाता है। भंडारे वाली सब्जी बनाते हैं। अच्छा, आलू। अच्छा, घुटा आलू बनाते हैं, भंडारे वाली सब्जी रहती है। और ये देखिए भैया की ये भंडारे वाली सब्जी है, जिसके साथ में मालपुए खाने को देते हैं। तो भैया हमें मालपुए बना के दिखाएंगे। थोड़ा गर्म हो जाए। तो भैया आपकी टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। सुबह 8 से 12 बजे तक मालपुआ, उसके बाद 3 बजे से 10 बजे तक वो चाइनीज पूरा। अच्छा, ये देखिए भैया कैसे मालपुए बना रहे हैं। तो भैया जब ग्राहक आते हैं तो आप गरम गरम ही खिलाते हैं उनको? हाँ, गरम गरम। इसीलिए आपने ज़्यादा बना के नहीं रखे हैं? थोड़े से बना के रखता हूँ बस, बाकी हैंडल। तो इसको सिकने में कितना टाइम लगता है भैया? ये 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट लगते हैं। कैसे मालपुए लगे आपको? लगे मस्त लगे। तो आते रहते हैं आप? पर डे आते हैं। अच्छा, और ये हमारे मालपुए सिक रहे हैं। आप देखिए ये मालपुए भी ठंडे नहीं है, इनमें से भी धुआं निकल रहा है, अभी बना के रखे हुए हैं। अच्छा, आप शेफ हैं? अच्छा अच्छा, तो फिर वहाँ से छोड़ने का रीजन क्या रहा भैया? अच्छा, अपना करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले कहाँ पर करते थे आप? पहले बाहर ज्यादा किया है, होटल ये ग्वालियर में एमके मानता होटल है ना। हाँ, ओपनिंग कराई थी मैंने 5 साल किया। अच्छा, गुलबाग में। अच्छा, बाकी बाहर ज्यादा किया, इंदौर में 5 साल रहा हूँ साईं जी रेडिएशन में। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा किया आपने भैया। और ये हमारे मालपुए रेडी हो गए हैं। पूरा तेल निकल जाता है। और ये हमारे मालपुए की प्लेट आ गई है। और ये साथ में भंडारे वाली आलू की सब्जी। अच्छा, तो आप देखिए ये भैया की भंडारे वाली आलू की सब्जी, और ये हमारे मालपुए।
तो भैया इसकी प्लेट का रेट क्या है? ये तुम 30 रुपये में 250 ग्राम चलाते हैं। 30 रुपये में 250 ग्राम चलाते हैं, तो तकरीबन 4 पूए आते होंगे। 6-7 आ जाते हैं। अच्छा, 6-7 आ जाते हैं। तो ये भैया के 30 रुपये में सब्जी कॉम्प्लीमेंट्री है, अनलिमिटेड है सब्जी, चाहे इतनी ले सकते हैं सब्जी। 250 ग्राम में 6-7 पूए आ जाते हैं, तो एक आदमी का नाश्ता आराम से बहुत अच्छा हो सकता है। 6 मालपुए 30 रुपये में काफ़ी सस्ता है। और आगे देखते हैं, आपको बताते हैं, और साथ में भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी अभी गरम गरम निकल के आए हैं, लाइट देखते हैं और आपको बताते हैं। सही बताऊं तो मज़ा आ गया। क्या है, भंडारे वाला खाना होता है ना, वो हर बार नहीं मिलता है। केवल गणेश जी पर या जब माता बैठती है तभी मिल पाता है। तो हम भंडारे वाला खाना बहुत मिस करते हैं। अगर आपको भंडारे वाले आलू की सब्जी खानी है और मालपुए खाने हैं, तो आप एक बार भैया के जरूर आए। मालपुए नहीं आए, जरूर नहीं आए, जरूर जरूर आए। इन भैया की लोकेशन है गोले के मंदिर चौराहे गार्डन के सामने, इंद्रप्रस्थ गार्डन के सामने भैया खड़े होते हैं। भैया की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो आप एक बार आएँ और भैया के मालपुए जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।